नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। चुनावी मोड़ पर चल रहे देश में राजनीतिक नजरिए से सबसे बड़ी खबर 23 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से आई, जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को आधिकारिक तौर पर राजनीतिक एंट्री दे दी। हालांकि प्रियंका काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन उनके पास ना तो कोई आधिकारिक पद था और ना ही वो पार्टी का कोई कामकाज देखती थी। लेकिन अपनी मां सोनिया गांधी और अपने भाई राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में उनकी मौजूदगी हमेशा बनी रहती थी और कांग्रेस का एक धड़ा लंबे समय से प्रियंका को राजनीति में उतारने की मांग कर रहा था। खासकर रायबरेली और अमेठी में तो कई बार पोस्टरों के जरिए भी अपील की गई कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारा जाए। इतना ही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी प्रियंका काफ़ी एक्टिव रही और उस दौरान प्रियंका ने रायबरेली से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, लेकिन वो कभी भी रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकली। उस वक्त भी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की तरफ से प्रियंका को राजनीति में लाने की बात उठी थी, लेकिन बात आई गई हो गई थी। लेकिन अब 2019 के चुनावी समर में कांग्रेस ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है और प्रियंका गांधी को राजनीति में लॉन्च कर दिया। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्व यूपी का प्रभार दिया है और पूर्व यूपी में लोकसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस की पारंपरिक अमेठी और रायबरेली की सीटों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी की सीट भी आती है। इसके अलावा कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यूपी में तैनाती की है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी वेस्ट की कमान दी है। दरअसल ये सारा मामला यूपी में बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। दरअसल यूपी में सपा और बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस गठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखा गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही और इसी के लिए कांग्रेस ने यूपी में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने की है। दरअसल बीजेपी पिछले काफी लंबे समय से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उनके ही संसदीय क्षेत्र में घेरने में लगी है और पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया था। राहुल अमेठी से चुनाव जीतने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर केवल 1 लाख का रहा था और तब से लेकर स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा करती रही हैं। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को उनके अपने संसदीय क्षेत्र में घेरने की योजना बना रही थी और इसी के जवाब में कांग्रेस ने प्रियंका को मैदान में उतार कर एक तो बीजेपी की काट तैयार की है और इसके अलावा मोदी को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में घेरने की योजना भी बना दी है। दरअसल मोदी की संसदीय सीट वाराणसी भी यूपी ईस्ट में ही आती है और प्रियंका को इसी क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में यूपी का सियासी तापमान निश्चिंत ही गर्माने वाला है। हालांकि प्रियंका फरवरी के पहले हफ्ते से ही पार्टी का कामकाज देखेगी, लेकिन बीजेपी ने उनकी राजनीति में एंट्री की घोषणा होते ही शब्दों के बाण चलाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है, राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी को बैसाखी के तौर पर लाया गया है। साथ ही बीजेपी ने इसे परिवारवाद की राजनीति भी करार दिया। लेकिन प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री से यूपी की सियासत गर्मा गई है। प्रियंका के राजनीति में आने से कांग्रेस को कितना फायदा होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लंबे समय से यूपी में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस अचानक जोश से भर गई है और ऐसे में आने वाले चुनाव में इस सियासी पारे का असर पड़ना तो तय है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।